अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम कुरकुरा खस्ता सेव की रेसिपी। एकदम चटाकेदार मसालेदार बेसन की सेव हमने घर पर बनाए हैं। कम खर्च में आप ज़्यादा घर पर बना सकते हैं और इस तरह से आप स्टोर करके भी रख सकते हैं और आप अपने बच्चों को बाहर का खाना खाने से बचा सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सेव बनाने के लिए 3 कप बेसन को हम इसमें छान लेंगे ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना रहे। और इसमें डालेंगे हम हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, 1 पिंच खाने वाला मीठा सोडा, थोड़ी सी अजवाइन और साथ ही डालेंगे थोड़ा सा नमक और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने यहाँ 1 कप पानी ली, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका सॉफ्ट डो बनाएंगे। तो हमने इसे मिक्स किए, ये हाथ में चिपक रहा, बस इतने ही तक हमें इसे गीला रखना है। इस कप से हमने 3 कप बेसन लिए थे और 1 कप पानी, जिसमें पानी थोड़ा सा बच गया है। तो यहाँ पे हाथ में हल्का सा पानी लगाएंगे और इसे चिकना करेंगे और इसे ढक के रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट में। तो चलिए, यहाँ पे हमारा तेल भी गर्म है और हम इस तरह का एक जाली लेंगे और इस जाली को इस ऊपर रख देंगे। हाथ में थोड़ा सा पानी लगाएंगे और इस तरह से रखेंगे। थोड़ा थोड़ा सा लेंगे और इस तरह से हथेली से इसको तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कुरकुरा खस्ता सा हमारा सेव बन रहा है। तो यहाँ फिर से हम उसी तरह से लेंगे और इस हथेली से स्प्रेड करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि इसे बनाना कितना ही आसान है। बाज़ार से लाने से बेहतर है कि आप कम खर्च में घर पर ही बना सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।